हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास वर्मा है। मैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हूँ। फ्रेंड्स, रिसेंटली 25 अगस्त 2022 को रिजल्ट आया है सीएस फाइनल के स्टूडेंट्स का और सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स का। सीएस फाइनल में या सीएस प्रोफेशनल में काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका जो रिजल्ट है काफी नेगेटिव रहा। नेगेटिव मीन्स अगर आप बोल सकते हो जिनका सारे ग्रुप क्लियर है, ऑल ग्रुप्स ऑफ प्रोफेशनल हैज क्लियर, वो सिर्फ 19 स्टूडेंट्स ऐसे थे। मीन्स काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 140 से 150 के बीच में आके रह गए और उनका ग्रुप जो है पास नहीं हुआ। तो काफी सारे स्टूडेंट्स जो है वो रीचेकिंग के लिए भी अपनी कॉपीज डाल रहे हैं और काफी स्टूडेंट्स को ये भी प्रॉब्लम है जिन्होंने एग्जीक्यूटिव बेस पे 21 मंथ्स की ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली। तो उन स्टूडेंट्स को भी टेंशन है कि हम ट्रेनिंग कंटिन्यू करें या ट्रेनिंग को वहीं स्टॉप कर दें। फ्रेंड्स, इसको लेके एक वीडियो में बनाना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए ये समझना आसान हो कि ट्रेनिंग कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है, या किस तरह से फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप को दिसंबर 2022 में अपियर करना है। फ्रेंड, सबसे पहले आप ये नोट कीजिए, ये हम सबको पता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट जब मिलता है सीएस प्रोफेशनल का या सीएस एग्जीक्यूटिव का, फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने को सबसे ज्यादा टाइम मिलता है स्टडी करने के लिए। बट आप सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप दिसंबर अटेम्प्ट दोगे या जून अटेम्प्ट दोगे, सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट में आपको जो टाइम है वो कम या रिड्यूस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका रिजल्ट 25 अगस्त को आया और 25 अगस्त तक बहुत कम ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने 2 महीने स्टडी की होगी। जिन्होंने 2 महीने स्टडी नहीं की, इनका मतलब उनका 2 महीने ऑलरेडी ब्लॉक हो चुके हैं। तो उनको टाइम कब मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल अगस्त खत्म होने के बाद सेप्टेम्बर आता है, तो वो सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसंबर में वैसे एग्जाम है, तो आप मान के चलिए स्टूडेंट्स को सिर्फ 3 महीने मिलते हैं प्रिपरेशन के। तो यहाँ पे स्टूडेंट किस तरह से प्रिपेयर कर सकता है? स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट एक ग्रुप, जो 2 ग्रुप उन्होंने दिए हैं रिसेंटली, फॉर एग्जाम्पल जून अटेम्प्ट उन्होंने फर्स्ट एंड थर्ड ग्रुप दिया है, तो स्टूडेंट को सबसे पहले अगर फर्स्ट एंड थर्ड अगर क्लियर नहीं हुआ है तो दिसंबर अटेम्प्ट में फर्स्ट एंड थर्ड को जो ऑलरेडी प्रिपेयर था वही उसी की रीप्रिपरेशन करनी है और दिसंबर अटेम्प्ट में देना है। तो यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि सर सेकेंड ग्रुप भी साथ में दे देते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड 3 ग्रुप है, 3 ग्रुप के सब्जेक्ट्स हो गए 9। फॉर एग्जाम्पल 3 ग्रुप है, 3 ग्रुप में 3 सब्जेक्ट ईच है, तो 9 सब्जेक्ट हो गए। 9 सब्जेक्ट्स को 3 महीने में प्रिपेयर करना अपने आप में एक टफ सिचुएशन होती है। हाँ, मैं मानता हूँ काफी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर लेते हैं जिनकी ऑलरेडी प्रिपरेशन स्ट्रांग है या री प्रिपरेशन करने में काफी इजीली वो पढ़ पाते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए जो जून अटेम्प्ट में आपने फर्स्ट और थर्ड ग्रुप अगर दिया है तो उसी को आप री अपियर करिए, उन्हीं को थोड़ा सा वेल प्रिपेयर करिए। और आप कोशिश करिए कि आपका ग्रुप जो है एटलीस्ट हर एक अटेम्प्ट में आपका 1 या 2 ग्रुप निकलता जाए, जिससे आपको एक मोटिवेशन मिलता जाए और कहीं ना कहीं आपके जो अटेम्प्ट है फ्यूचर में उसमें आपकी बर्डन कम होते जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, जो जैसे फॉर एग्जांपल जून अटेम्प्ट में या प्रीवियसली अटेम्प्ट में जो प्रिपरेशन आपने की है उसी प्रिपरेशन को री प्रिपेयर करके आप दिसंबर में एग्जाम दे सकते हो। और फ्रेंड्स, बात आती है अगर ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग में आप अपना जो एम्प्लॉयर है या फिर जो भी आपके कंपनी सेक्रेटरी या कंपनी में आप कहाँ भी ट्रेनिंग ज्वाइन की है वहां आप उनसे बात कर सकते हो लीव के लिए कि सर और मैम हमारी जो लीव है वो आप दिसंबर के लिए, दिसंबर अटेम्प्ट के लिए नवंबर से आप लीव सेंक्शन कर लीजिए। तो आज से ही आप डिस्कशन करना स्टार्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो एम्प्लॉयर है वो अपने माइंड में एक प्रोविजन बना के चलेगा और आपका जो काम है वो किसी और को डाइल्यूट कर सकता है या किसी और को डेलीगेट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आप एंड डेट तक आप वेट मत कीजिए कि दिसंबर में आप सर को या मैडम को इन्फॉर्म करोगे या नवंबर में इन्फॉर्म करोगे कि मुझे अचानक से अभी छुट्टी चाहिए। तो आप कोशिश करिए कि 2 महीने के पहले आप इंटीमेट कर सको जिससे एम्प्लॉयर जो है वो प्रोविजन बना सके आपके अब्सेंस में अगर किसी और को डेलीगेट करना है काम। तो फ्रेंड्स, दिसंबर अटेम्प्ट जो है उसमें आप जो है आप चेक मत करिए कि आपकी कॉपीज जो है उसको आपने रीचेकिंग के लिए डाल रखी है। आप अपना जो दिसंबर अटेम्प्ट है वो इस तरह से ही प्रिपेयर कीजिए कि आपका फ्रेश अटेम्प्ट है। अगर आप इसको सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट मान के चलोगे तो आप प्रिपरेशन में इतना 100% परफॉर्मेंस आप नहीं दे सकते। तो दिसंबर अटेम्प्ट के लिए अगर आपका प्रीवियसली जो अटेम्प्ट दे रखा है तो उसी को आप रीअपियर करिए। और अगर मान लीजिए 3ों ग्रुप आपके पेंडिंग है तो आप दिसंबर अटेम्प्ट के लिए 2 ग्रुप भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट और थर्ड देते हो तो आपको बीच में गैप मिल सकता है, सेकेंड ग्रुप का जो एग्जाम्स होते हैं उसमें 3 या 4 दिन के गैप है या 5 दिन का गैप है, तो फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में प्रिपरेशन का भी टाइम मिल सकता है। अगर आप फर्स्ट एंड सेकेंड देते हो तो कंटिन्यूअसली आपके एग्जाम होते हैं, सेकेंड और थर्ड देते हो तो कंटिन्यूअसली आपके एग्जाम होते हैं, फर्स्ट थर्ड के बीच में बेनिफिट यह मिलता है कि आपको 4-5 दिन का गैप बीच में मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, दिसंबर अटेम्प्ट्स के लिए आपको बेस्ट विशेस। आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दीजिए, दिवाली फेस्टिव सीजन आने वाला है उसमें आप ज्यादा टाइम इन्वॉल्व मत करना, मुश्किल से मुश्किल 1 दिन आप दे सकते हो दिवाली के लिए। अभी फ्रेंड्स, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सीएस प्रोफेशनल के एग्जाम। अगर वो एग्जाम आप क्लियर कर लेते हो तो उसके साथ साथ आपकी जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के साथ साथ आप
आपकी जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो आपकी जैसे ही फिनिश हो जाएगी, आप ट्रेनिंग पे 100% अपना टाइम डिवोट कर सकते हो। और काफी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती भी है एग्जीक्यूटिव के साथ साथ, या एग्जीक्यूटिव क्लियर बेसिस पे अगर वो ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं तो फाइनल के साथ साथ ट्रेनिंग करना उनके लिए टफ हो जाता है, क्योंकि वो टाइम जो है ट्रेनिंग के लिए वो इतना डेडिकेट नहीं कर सकते। एंड सेम इज एप्लीकेबल टू एग्जाम्स ऑल्सो, वो प्रोफेशनल के जो एग्जाम्स है उनकी तैयारी के लिए भी टाइम डेडिकेट नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स आप कोशिश करिए कि हर बार सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट में सिर्फ एक चीज फोकस करनी है, कि हर ग्रुप में, सॉरी हर अटेम्प्ट में एक ना एक ग्रुप आपका निकलना चाहिए, जिससे आपको आपके जो अटेम्प्ट है वो कम होते जाए और आपकी जो टेंशन है वो कम होती जाए। एक साथ आपके तीनों ग्रुप अगर पेंडिंग रहे सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट में, आपके तीनों ग्रुप अगर कंटिन्यू रहते हैं, फॉरवर्ड करते हो आप, तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम होने की बात है। आप कोशिश करिए कि एक ग्रुप भी अगर आप दे रहे हो तो उसको वेल प्रिपेयर्ड होके, तो वो ग्रुप क्लियर होना चाहिए। हर अटेम्प्ट में आपका बर्डन कम होना चाहिए। आपका ये टारगेट मत रखिए कि मेरे को तीनों ग्रुप्स देने हैं, आप ये टारगेट रखिए कि हर ग्रुप में मुझे कुछ न हर अटेम्प्ट में मुझे कुछ ना कुछ ग्रुप्स क्लियर करना है। हर आपका अटेम्प्ट सक्सेसफुल होना चाहिए, कोई भी सक्सेसफुल इस तरह से नहीं हो कि आपका जो अटेम्प्ट है वो अनसक्सेसफुल जाए। तो आप अपनी ग्रुप्स की जो है, मॉड्यूल की जो है, वो तैयारी कीजिए। आप कोशिश करिए मॉड्यूल्स को भी पढ़ सको, और अगर जहां भी आप कोचिंग कर रहे हो उनके नोट्स भी आप पढ़ सकते हो। तो मॉड्यूल के लिए आपको टाइम मिलता है फ्रेंड्स, तो आप मॉड्यूल जरूर देखना, मॉड्यूल काफी इंपॉर्टेंट होता है। और ओपन बुक एग्जामिनेशन जो है उनकी प्रिपरेशन भी आप थोड़ी थोड़ी स्टार्ट करिए। आप डिपेंडेंट मत रहिए कि मैं एंड डेट पे दिसंबर में देखूंगा या देखूंगी। तो फ्रेंड्स इस तरह के अगर स्टूडेंट्स के लिए वीडियोज जो है हम लोग बनाते रहते हैं, अगर आपको लगता है कि ये जो स्टूडेंट्स के लिए हम वीडियो या फिर वीडियो कंटेंट लेके आ रहे हैं अगर बेनिफिशियल है, तो आप हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।